टुडे वी डिस्कस अबाउट द डीप ओशन मिशन. यह डीप ओशन मिशन किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है? अर्थ एंड साइंस मिनिस्ट्री के अंडर आता है. अप्रूव किया गया है इसके द्वारा कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर के द्वारा. डीप ओशन मिशन किसके लिए है? हम ओशंस के अंदर जाके यह देख सके कि हमारे लिए कोई चीज़ इंपॉर्टेंट है, हम उसका कैसे यूज़ कर सकते हैं, माइनिंग करके क्रूड ऑयल निकाल सकते हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें वहाँ कौन से मिनरल हमारे लिए इंपॉर्टेंट मिल सकते हैं. अब हमारा जो इंडिया है, इंडिया में 9 स्टेट है जो पेनिनसुला है. पेनिनसुला मीन्स जो तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ है. तो कौन कौन से हैं 9 स्टेट? गुजरात, केरला, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल. इनकी कोस्ट लाइन बाउंड्री है वो कितनी है? 7517 किलोमीटर कोस्ट लाइन बाउंड्री है इनकी. टोटल आइलैंड कितने हैं हमारे? 1382 क्या है टोटल आइलैंड. ये किसके अंडर आते हैं? ब्लू इकोनॉमी में सबसे पहले नंबर पे है USA, फिर है रसिया, फिर है फ्रांस, फिर है जापान, फिर है चाइना, एंड जो इंडिया है हमारा 6 नंबर पे आता है. इस मिशन जो हम ये मिशन करने जा रहे हैं इसमें कितने रुपए खर्च करने की बात की गई है? 4,077 करोड़ रुपए हम इस मिशन पे लगाएंगे. इसमें मेजर कंपोनेंट मतलब हम वहाँ जाएंगे तो मतलब हमारे पास इंपोर्टेंट होना चाहिए ना, हमारे पास टेक्नोलॉजी होनी चाहिए. ओशियन क्लाइमेट चेंज एडवाइजरी सर्विस, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे चले जाएं और वहाँ के जो मछलियाँ हैं ये और भी चीज़ हैं उन सभी को मार दें, ऐसा नहीं है. सर्वे पहले हमें वहाँ देखना पड़ेगा क्या क्या है, सर्वे करनी पड़ेगी कैसा इन्वायरमेंट है वहाँ पे, एनर्जी एंड फ्रेश वाटर फ्रॉम द ओशियन, मैराइन स्टेशन ऑफ ओशियन बायोलॉजी, वहाँ के बारे में पूरे ओशियन में कैसे क्या इन्वायरमेंट है सभी चीज़ के बारे में हमें जानना होगा. एक मैराइन स्टेशन बनाना होगा. अब जो ओशियन है वो 70% एरिया कवर करता है हमारी अर्थ का. 95% जो अनएक्सप्लोर्ड है किसके लिए? ओशन एरिया, डीप ओशन मिशन के तहत. ठीक है. अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पूछ लिया जाए कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल किसके अंडर आता है, तो लाइफ बिलो वाटर. इस सस्टेनेबल गोल है 14 सस्टेनेबल गोल इन लाइफ बिलो वाटर. थैंक यू.